हेलो एंड वेलकम टू मगध एजुकेशन। हमारा जो बिहार एसएससी इंटर लेवल का सीरीज चल रहा था टीचिंग सब्जेक्ट का, उसको आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं और बनाते हैं हम लोग आज का पहला प्रश्न। हमारा आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सा चिन्हों का आदान प्रदान दिए गए समीकरण को सही बना देगा। मतलब कि यहाँ पे है, जो यहाँ पे हमारा ऑप्शन दिया गया है, साइन को एक्सचेंज करके ये हमारा इक्वल टू 10 लाना है। तो ऐसा कौन सा साइन है जिसको एक्सचेंज करके हमारा सही इक्वेशन, मतलब सही हमारा आंसर आएगा। तो देखते हैं हम लोग, पहले हमारा सबसे पहले क्या करते हैं, हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट से चेक करते हैं। तो हमारा यहाँ पे क्या गिवन है, प्लस और माइनस को एक्सचेंज किया है, मतलब कि यहाँ पे प्लस के जगह पे माइनस और माइनस के जगह पे प्लस करना है, यहाँ पे इंटरचेंज हमारा लिखा हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 10 है, 10 और क्या हमारा प्लस है, नेक्स्ट में हमारा क्या है, प्लस है। तो प्लस के जगह पे हम लोग को क्या करना है, माइनस करना है, क्योंकि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में प्लस और माइनस को चेंज किया है। तो 10 माइनस 10 और डिवाइड, ये सबको कुछ भी करना नहीं है, सिर्फ प्लस और माइनस को चेंज करना है। तो यहाँ पे हमारा माइनस आ गया, तो माइनस की जगह पे प्लस करेंगे, 10 करेंगे मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 10। अब हम लोग को इसके बराबर 10 लाना है। क्या हम प्लस और माइनस करके हमारा बराबर 10 आता है, तो देखते हैं। तो सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे से हम 10 को डिवाइड करेंगे 10 से, तो हमारा कितना आएगा, 1 आएगा। तो 10 माइनस 1, और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, कितना आएगा हमारा, 100 आएगा। क्या ये हमारा 10 के बराबर आ पाएगा, नहीं, ये हमारा 10 के बराबर नहीं है, मतलब कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है हमारा, गलत है। ये हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट था। हम लोग अब देखते हैं ऑप्शन नंबर सेकंड पे। अब हमारा क्या किया है, प्लस और डिवाइड को एक्सचेंज किया है। तो हम लोग करते हैं, यहाँ पे हमारा क्या है, प्लस है, इसके जगह पे डिवाइड आ जाएगा, डिवाइड 10, और जहाँ पे हमारा डिवाइड है वहाँ पे हम लोग का प्लस आ जाएगा। तो प्लस 10 माइनस 10 इनटू 10 इक्वल टू हम लोग को 10 लाना है। तो क्या हम लोग ये एक्सचेंज करके सही ला पाएंगे इससे। तो यहाँ पे हमारा क्या है, 10 डिवाइड 10, इसको कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और प्लस 10 और माइनस, यहाँ पे 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 100 आ जाएगा। क्या है, इतना है हम लोग को इक्वेट करने के बाद हमारा 10 के बराबर आ पाएगा, तो ये हमारा 10 के बराबर नहीं आ पाएगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर 2 भी हमारा गलत है। ऑप्शन नंबर 3 हम लोग देखेंगे, क्या हमारा प्लस और मल्टीप्लाई, जो प्लस और मल्टीप्लाई को एक्सचेंज किया है। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं, तो 10 और प्लस के जगह पे मल्टीप्लाई कर दिया है, मल्टीप्लाई 10 डिवाइड 10 माइनस 10 और मल्टीप्लाई की जगह पे क्या आ जाएगा हमारा, प्लस आ जाएगा, और कितना आ जाएगा, 10 इक्वल टू 10। अब हम लोग इसको इक्वेट करते हैं, तो 10 डिवाइड 10 कितना होता है, 1 होता है, और 10 इंटू 1 हमारा 10 आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस 10 प्लस 10 इक्वल टू 10 हम लोग को लाना है। तो 10 और प्लस 10 कितना होता है, 20, और 20 माइनस 10 जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। हाँ, ये तो हमारा LHS बराबर RHS हो गया। तो मतलब कि हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 माइनस 8 प्लस 8 इंटू 3 32 इक्वल टू 64। तो यहाँ पर हमारा कौन सा साइन एक्सचेंज करने के बाद हमारा सही आंसर देगा। तो हम लोग देखते हैं इसमें कौन सा हम लोग कर देंगे। तो सिंपली क्या करेंगे, इसको यहाँ पे हम लोग सबको रख देंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई प्लस और माइनस, यहाँ पे हम लोग माइनस प्लस मल्टीप्लाई यहाँ पे सबको चेंज करना है। तो 8 पहले हम लोग क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में क्या है, सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लाई यूज़ करेंगे, और फिर हमारा प्लस के जगह पे क्या यूज़ करेंगे, प्लस के जगह पे हम लोग, प्लस के जगह पे तो प्लस ही गिवन है, प्लस 8, मल्टीप्लाई के जगह पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, माइनस 32। हम लोग इसको किसके बराबर लाना है, 64 के बराबर लाना है, ये हमारा क्या है, RHS है। तो क्या हमारा LHS में 64 आता है, तो 64 यहाँ पे 8 इंटू 8 64 प्लस 8 माइनस 32। तो क्या हम लोग 64 के बराबर आ पाएगा, ये हमारा 64 के बराबर नहीं आ पाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो हमारा गलत हो गया। अब हमारा देखते हैं ऑप्शन नंबर 2, ये हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट था। ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं, तो हम लोग को क्या करना है, पहले हम लोग को माइनस रखना है, फिर हम लोग को क्या रखना है, डिवाइड रखना है, प्लस के जगह पे डिवाइड आ जाएगा, फिर हम लोग को मल्टीप्लाई की जगह पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, तो प्लस 32 हम लोग को 64 के बराबर लाना है। तो पहले किसका काम होगा, ब्रैकेट का काम होगा, तो 8 माइनस 8 कितना होता है, 0 होता है, और डिवाइड 32, 8 प्लस 32 ये हमारा, ये भी हमारा 64 के बराबर नहीं आ पाएगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर 2 भी हमारा गलत है। अब हम लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर 3 की तरफ। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या है, सबसे पहले हम लोग प्लस रखेंगे, तो 8 प्लस 8, और फिर क्या है हमारा, प्लस है, उसके जगह पे डिवाइड रखना है, प्लस 8 डिवाइड 8, उसके बाद मल्टीप्लाई की जगह पे प्लस रखना है, तो प्लस हमारा कितना आ जाएगा, 32। अब हम लोग इसको 64 के बराबर लाना है, क्या हमारा आता है, तो 8 प्लस 8 कितना होता है हमारा, 16 होता है, और डिवाइड करेंगे 8 से, प्लस 32, 8 को जब डिवाइड करेंगे किससे, 16 को जब डिवाइड करेंगे 8 से, तो कितना आ जाएगा, 2 प्लस 32, ये हमारा 64 के बराबर नहीं है, मतलब कि ऑप्शन नंबर 3 भी हमारा
नहीं होगा। तो जो हमारा बचा ऑप्शन नंबर 4, वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए कैसे यहाँ पे हमारा क्या है 8। आगे चेक करेंगे, जब तीन ऑप्शन गलत हो गया तो चौथा ऑप्शन तो हमारा सही ही होगा। अगर चेक करने का मन हो तो यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पे माइनस की जगह पे क्या रखना है, प्लस रखना है। तो 8 + 8 इसको ब्रैकेट में रखेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे डिवाइड, 8 मल्टीप्लाई की जगह पे मल्टीप्लाई ही गिवन है हमारा इक्वल टू 32। इसको हम लोग 64 के बराबर लाना है। तो 8 + 8 कितना होता है 16 होता है, डिवाइड 8 × 32। अब हम लोग 16 को डिवाइड करेंगे 8 से, कितना आएगा 2 आएगा। 2 × 32 कितना होता है हमारा 64 होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा LHS बराबर RHS। यहाँ पे RHS 64 है, LHS में हमारा 64 आ गया, मतलब कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, R का मतलब क्या है हमारा माइनस गिवन है, A का मतलब हमारा प्लस है, B का मतलब हमारा डिवाइड है, और C का मतलब हमारा क्या गिवेन है, मल्टीप्लाई गिवेन है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द गिवेन इक्वेशन, ये जो हमारा इक्वेशन गिवेन है इसका हम लोग को क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। बोर्ड मास विल बी नॉट एप्लीकेबल, जो बोर्ड मास जो हम लोग पहले करते हैं ना ब्रैकेट फिर उसके बाद ऑफ डिवाइड, ये सब हम लोग का एप्लीकेबल नहीं है, मतलब ये नियम लागू नहीं होगा। मतलब कि जैसे सिंपली दिया गया वैसे ही इक्वेट करते जाना है। समझ लीजिए कि आप लोगों को बोर्ड मास अभी नहीं आता है, कुछ समय के लिए बोर्ड मास को भूल जाते हैं कि पहले कौन होगा, पहले डिवाइड होगा मल्टीप्लाई होगा, ये सब कुछ नहीं, जैसे हमारा दिया गया है वैसे ही लगातार करते चले जाएंगे। तो 25 है, और ए का मतलब हमारा क्या है गिवन है, प्लस है 37, सी का मतलब हमारा मल्टीप्लाई 2, बी का मतलब हमारा क्या है डिवाइड 4, आर का मतलब -1। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, सिंपली हम लोग जैसे दिया गया वैसे ही करते जाएंगे, पहले ये ही नहीं कि डिवाइड करने बैठ जाएंगे, नहीं। यहाँ पे क्या लिखा है, बोर्ड मास विल बी नॉट एप्लीकेबल, नियम लागू नहीं होगा, बोर्ड मास का नियम लागू नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या हमारा प्लस गिवन है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, प्लस कर देंगे तो 62 हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई 2 डिवाइड 4 -1। अब हम लोग का क्या आता है मल्टीप्लाई, यहाँ पे होगा, यहाँ पे क्या होगा, जो भी हमारा आगे में आते जा रहा है उसको करते जाएंगे, बोर्ड मास के हिसाब से इसमें नहीं चलना है। -1 तो 31, -1 कितना होता है हमारा 30 होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीजल का रिलेट किया गया स्क्रप्टर से, तो हैरो को रिलेट किससे किया जाएगा। सीजल मतलब क्या होता है, छेनी, छेनी का यूज़ कौन करता है, मूर्तिकार करता था। हैरो का यूज़ कौन करेगा, माली, मेंसन, लोहर और रक्षक में से कौन करेगा, माली करेगा। हैरो मतलब क्या हो जाता है हमारा, हेंगा का यूज़ कौन करेगा, हमारा गार्डनर यूज़ करेगा। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बी जे सी आई का रिलेशन है जे बी आई सी में, तो सी एक्स डी डब्ल्यू का रिलेशन किससे होगा। तो इसको सिंपली पढ़ने से क्या लग रहा है कि जो बी और जे है और उसको क्या कर दिया गया, रिवर्स लिख दिया गया, और लास्ट दो लेटर को रिवर्स में करके लिख दिया गया। तो वैसे ही हम लोग इसमें करेंगे, सी एक्स को क्या लिखेंगे, एक्स और सी लिखेंगे, और डी और डब्ल्यू को क्या लिखेंगे, डब्ल्यू और डी लिख देंगे। लास्ट का दो अपोजिट कर देंगे, और जो फर्स्ट का दो है उसको रिवर्स में लिख देंगे, और लास्ट के दो को भी रिवर्स में लिख देंगे। तो हमारा क्या आ गया, एक सी डब्ल्यू डी, हमारा ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए बी को रिलेट किया गया एनओ से, तो एलएम को रिलेट कैसे किया जाएगा। तो यहाँ पे क्या किया गया, ए बी एन ओ एल एम, तो आगे जो भी आएगा वो क्या आएगा, लगातार आएगा, मतलब दोनों के बीच में एक का गैप रहेगा। यहाँ पे कितना गैप है, एक का गैप है, यहाँ पे कितना गैप है, एक का गैप है, यहाँ पे कितना गैप है, एक का गैप है। तो हम लोग ऐसा किस में देखते हैं, एक का गैप हो तो यहाँ पे एल ओ है, एल है, इसमें तो क्या हो रहा है -1 का गैप हो रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। फिर हमारा के और पी, इसमें भी ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा, ये यहाँ पे 11 और 16, यहाँ पे कितना का गैप है, +5 का गैप है, तो इसमें कितना का गैप है, पी और के में -5 का गैप है, तो मतलब ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। वाई और जेड, इसमें कितना का गैप है, एक का गैप है। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगर बाई चांस हमारा दो ऑप्शन निकल जाता क्या, +1 का गैप, तो हम लोग क्या करते, फिर ए से एन का कितना गैप है, तो वैसे ही हमारा एल से स्टार्टिंग या फर्स्ट लेटर के बीच का गैप निकाल के हम लोग बना सकते थे। लेकिन यहाँ पे तो तीन ऑप्शन ऐसे ही इलिमिनेट हो गया, इतना ए से एन का गैप निकालने की जरूरत नहीं पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए जी आई ओ, ए जी का संबंध है आई ओ के साथ, तो ई के का संबंध किससे होगा। तो यहाँ पे क्या है हमारा, ए जी आई ओ है, ए और आई के बीच में कितना गैप है, तो ए और आई के बीच में, ए में क्या करना पड़ रहा है हम लोग को, +8 करना पड़ा है। ए कितना होता है, 1 होता है, और आई कितना होता है, 9 होता है, तो 1 में +8 करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 9 आएगा। वैसे ही हमारा जी है, जी में क्या करेंगे हम लोग, +8 करते हैं तो हमारा क्या आता है, ओ आता है। जी हमारा 7 होता है और ओ हमारा 15 होता है, तो 7 में क्या करते हैं, +8 करते हैं तो 15 आता है। मतलब कि दोनों में, ए में और जी में +8 करने पर हमारा नेक्स्ट लेटर आ रहा है, मतलब नेक्स्ट हमारा
जो भी हमारा यहाँ पे वर्ड लेटर जो भी है वो हमारा आ रहा है, तो मतलब यहाँ पे आंसर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारा ई जो हमारा ई है इसमें प्लस एट करना पड़ेगा, और के में भी हमारा क्या करना पड़ेगा, प्लस एट करना पड़ेगा। तो ई हमारा कितना होता है, फाइव होता है, फाइव में प्लस एट करते हैं तो कितना आता है, तेरह आता है। तेरह किसका होता है, एम का होता है। के का क्या होता है, इलेवन होता है। इलेवन में प्लस एट करते हैं तो हमारा आता है नाइनटीन, और नाइनटीन होता है हमारा एस का होता है। तो क्या हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर टू एम एस आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा, एम एस आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर टू हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 का संबंध है 175 से, तो 32 का संबंध किससे होगा। तो सिंपली यहाँ पे आप लोग बना सकते हैं कि 25 गुना कितना हो जाएगा, ये हमारा 7 है, लेकिन जब हम लोग 32 गुना 7 करते हैं, जब हम लोग 32 गुना 7 करते हैं तो हमारा कितना आता है, 214 आता है, लेकिन 214 तो हमारा ऑप्शन में नहीं है, मतलब कि इसमें क्या हुआ है, इसमें कुछ और ही ट्रिक लगा है। तो इसमें देखते हैं क्या हुआ है, इसमें जो 25 है इसको क्या कर दिया गया है, इसको 25 को मल्टीप्लाई किया गया है किससे, 7 से ही करेंगे तो 175 आएगा, लेकिन वो 7 आया कहाँ से, हम लोग अगर 25 में 7 से मल्टीप्लाई करते तो हम लोग आता है 175, और 32 में जब 7 से मल्टीप्लाई करने जाते हैं तो हमारा आंसर इसमें गिवन नहीं है, तो वो 7, ये जो 7 से मल्टीप्लाई किए वो आया कहाँ से। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो 25 है उसमें क्या किया गया है, 2 प्लस 5 किया गया है तो हमारा आता है 7, 2 प्लस 5 करते तो 7 आता है, तो हमारा कितना आ जाएगा, 175 आ जाएगा। तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे आंसर निकालने के लिए क्या करेंगे, 32 में मल्टीप्लाई करेंगे, किससे करेंगे, जो भी हमारा 32 गिवन है उन जो भी दोनों नंबर है उन दोनों को जोड़कर मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 32 को क्या कर देंगे, दोनों को आपस में ऐड कर देंगे, 3 और 2 को आपस में ऐड करके मल्टीप्लाई कर देंगे 32 के साथ, तो हमारा कितना आएगा, 32 गुना 5, तो 32 गुना 5 करते तो हमारा कितना आता है, 160 हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है शिमला, दार्जिलिंग, ओटी और आगरा, इन चारों में सबसे अलग कौन सा है। तो इसमें शिमला, दार्जिलिंग, ओटी और आगरा में आप लोगों को सबसे अलग कौन सा लग रहा होगा, आगरा, क्योंकि ये तीनों जो है शिमला, दार्जिलिंग, ओटी ये सब क्या है, हिल स्टेशन है, लेकिन आगरा हमारा हिल स्टेशन नहीं है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है फोल, हेन, लैम्प और रेवरेट, इस चारों में सबसे अलग कौन सा है। तो हम लोग जानते हैं ये जो फोल है ये हमारा क्या है, हमारा फोल ये क्या है, ये हमारा हॉर्स के बच्चे को बोलते हैं, किसको, हॉर्स के बच्चे को बोलते हैं, या फिर इसके रिलेटेड जो भी एनिमल हो गए उसके बच्चे को क्या बोलते हैं, फोल बोलते हैं। लैम्प किसके बच्चे को बोलते हैं, हम लोग सीप के बच्चे को क्या बोलते हैं, लैम्प बोलते हैं। लेवरेट किसके बच्चे को बोलते हैं, लेवरेट जो हमारा हो गया खरगोश, मतलब हेयर, हेयर के बच्चे को क्या बोलते हैं, लेवरेट बोलते हैं। लेकिन हेन के बच्चे को क्या बोलते हैं, चिक बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे तो वो क्या है, ये तो हमारा एनिमल ही गिवन है, हम लोगों को क्या गिवन है, ये सबके बच्चे का नाम गिवन है, फोल हो गया, लैम्ब हो गया और लेवरेट, सबके बच्चे का नाम गिवन है। लेकिन हमारा हेन के बच्चे को चिक बोलते हैं, यहाँ पे चिक आना चाहिए, तो सबसे अलग कौन सा हो गया, हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो गया। इसमें डायरेक्ट हमारा क्या दिया गया है, यहाँ पे हमारा डायरेक्ट एनिमल ही दिया गया है, तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है बी ए डी सी एक्स डब्ल्यू जेड वाई वी यू एस टी एन एम पीओ, इसमें से क्या निकालना है हम लोग को, तीन एक जैसा है और एक हमारा अलग है, तो इन सब में कौन सा अलग है उसको निकालेंगे। तो हमारा क्या गिवन है यहाँ पे, बी ए डी सी, सबसे पहले हमारा क्या है, बी ए डी सी, तो बी ए के बीच में कितना गैप है, तो बी ए के बीच में माइनस वन का, मतलब बी में माइनस वन का माइनस वन करते तो हमारा ए आता है, ए में क्या करते हैं हम लोग प्लस थ्री करते हैं तो हमारा डी आता है, और डी में क्या करते हैं माइनस वन करते तो हमारा सी आता है, मतलब माइनस वन प्लस थ्री और माइनस वन का सी चल रहा है। देखते हैं ऑप्शन नंबर 2 में कैसा चल रहा है। तो एक्स है, एक्स में क्या करने हैं हम लोग को, माइनस वन करते तो हम लोग का डब्ल्यू आता है, और डब्ल्यू में क्या करते हैं प्लस थ्री करते तो हम लोग का जेड आता है, और जेड में माइनस वन करते तो हम लोग का वाई आता है। ठीक, इसमें भी माइनस वन प्लस थ्री माइनस वन का चला, मतलब ये दो ऑप्शन हमारा सेम है। देखते सबसे अलग कौन सा है, तो वी यू एस और टी, तो वी में क्या करते हैं हम लोग, वी में हम लोग क्या करते हैं माइनस वन करते हैं तो यू आता है, और यू में हम लोग क्या करते हैं माइनस टू करते हैं। यू हमारा कितना होता है, हमारा 21 होता है, और एस हमारा 19 होता है, तो 21 में क्या करना पड़ेगा, माइनस टू करते हैं तो 19 आता है, और एस में क्या है हमारा माइनस, सॉरी यहाँ पे एस में क्या हो रहा है प्लस वन हो रहा है, एस में प्लस वन करते तो हमारा टी आता है, टी होता है हमारा 20। तो हमारा हम लोग क्या, हम लोग का फर्स्ट और सेकेंड ऑप्शन में कैसे चल रहा था, माइनस वन प्लस थ्री माइनस वन चल रहा था, माइनस वन प्लस थ्री माइनस वन, लेकिन जो हम जब हम लोग ऑप्शन नंबर 3 पे आए तो क्या हुआ, माइनस वन हो गया, माइनस टू हो गया और प्लस वन हो गया, तो सबसे अलग कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सबसे अलग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है डी सी एफ जी एफ ई एच आई जे आई एल एम एच जी जे एल में सबसे अलग कौन सा है। तो इसमें भी वैसे ही करेंगे हम लोग, पहले हमारा क्या है डी
सी एफ और जी, इसमें देखते कैसे चल रहा है। तो डी में क्या कर रहे हैं हम लोग, माइनस वन कर रहे हैं। सी में क्या कर रहे हैं हम लोग, प्लस थ्री कर रहे हैं। और एफ से जी जाने के लिए क्या करना है, एफ में प्लस वन कर रहे हैं तो हमारा जी आ रहा है। अब हम लोग ऑप्शन नंबर टू में देखते हैं, ऑप्शन नंबर टू में देखते हैं हम लोग को क्या है, एफ है। एफ में क्या कर रहे हैं हम लोग, माइनस वन कर रहे हैं तो हमारा ई आता है। ई में क्या करते हैं हम लोग, प्लस थ्री करते हैं तो हमारा एच आता है। फिर एच में क्या करते हैं, माइनस प्लस वन करते तो हमारा क्या आता है, आई आता है। इसमें भी मतलब कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट और ऑप्शन नंबर टू में सेम चल रहा है, माइनस वन प्लस थ्री प्लस वन, माइनस वन प्लस थ्री और प्लस वन। तो अब हम लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर थ्री में हम लोग को सेम चलना है। इसमें जो भी हमारा अलग आएगा, माइनस वन प्लस थ्री प्लस वन के अलावा जो चलेगा वो सबसे अलग हो जाएगा। तो हमारा जे में क्या करना पड़ रहा है, जे से आई जाने के लिए क्या करना पड़ रहा है, माइनस वन करते हैं। जे में माइनस वन करते तो हमारा आई आता है। फिर आई में क्या करते हैं हम लोग, प्लस थ्री करते तो हमारा एल आता है। और एल में क्या करते हैं हम लोग, प्लस वन करते तो हमारा क्या आता है, एम आता है। मतलब कि ये भी हमारा फर्स्ट सेकंड को ही फॉलो कर रहा है, मतलब कि ये भी हमारा सही है। हम लोग को क्या करना है, गलत ढूंढना है। तो अब हम लोग ऑप्शन नंबर फोर की ओर बढ़ते हैं, करते तो हमारा आता है जी। और जी में हम लोग क्या करते हैं, प्लस थ्री करते तो हमारा आता है जे। और जे में क्या करते हैं हम लोग, प्लस टू करते तो हमारा आता है एल। अब सब जगह आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस वन प्लस थ्री और प्लस वन सब में चल रहा है। इन तीनों में क्या चल रहा है, माइनस वन प्लस थ्री और प्लस वन चल रहा है। लेकिन जो हमारा ऑप्शन वन है, इस ऑप्शन नंबर फोर है, इसमें क्या हो रहा है, माइनस वन प्लस थ्री और प्लस टू हो रहा है। क्या हो रहा है, प्लस टू हो रहा है। तो हमारा सबसे अलग कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर हमारा सबसे अलग हो जाएगा। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फोर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, 23, 38, 4, 27, इन सब में सबसे अलग कौन सा है। तो इसको देखते हैं, हमारा क्या है, वन और जीरो है। तो इसमें क्या, इसको देखने से क्या लग रहा है, ये क्या हो रहा है, वन का स्क्वायर माइनस वन है। ये जो नेक्स्ट नंबर है वो क्या है, वन का स्क्वायर माइनस वन है। मतलब वन है, वन का स्क्वायर है कितना होता है, वन होता है। वन माइनस वन करते कितना आता है, जीरो आता है। इसमें क्या हो रहा है, टू का स्क्वायर कितना होता है हमारा, चार होता है। चार माइनस एक करते तो क्या आता है, यहाँ पे हमारा तीन आता है। तीन, तीन का स्क्वायर कितना होता है, नौ। नौ माइनस एक करते तो आठ आता है। चार का स्क्वायर कितना होता है, सोलह। सोलह माइनस एक करते तो कितना आता है, पंद्रह। हमारा पंद्रह आना चाहिए था लेकिन यहाँ पे हमारा सत्ताईस गिवन है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, 24, 39, 18, 81, 54 और 82, 64, इन सभी में सबसे अलग कौन सा है। तो इसको देखते हैं ये कैसे चलेगा। तो इन सभी को देखने से क्या लग रहा है, ये जो 96 है वो क्या है हमारा, 3 का मल्टीपल है। कैसे, 32 × 3 लिख सकते हैं। 24 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 8 × 3 लिख सकते हैं हम लोग। ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट था। ऑप्शन नंबर टू को कैसे लिख सकते हैं, 39 में कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 13 × 3 लिख सकते हैं। फिर हम लोग 18 को कैसे लिख सकते हैं हमारा, 6 × 3 लिख सकते हैं। मतलब कि सब के सब क्या है, 3 के मल्टीपल्स है हमारा। फिर आता है हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर थ्री में आता है हमारा 81। 81 को कैसे लिख सकते हैं, 27 × 3 लिख सकते हैं। और 54 को हम लोग लिख सकते हैं 18 × 3 लिख सकते हैं। अब हम लोग आते हैं ऑप्शन नंबर फोर में, हमारा क्या है 82। ये तो 82 जो है वो हमारा क्या है, 3 का मल्टीपल नहीं है। मतलब कि सबसे अलग कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर हमारा सबसे अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है एकोमोडेशन परसेप्शन स्कीम फॉर्मेशन एसिमिलेशन सेंसेशन। इसको है जो क्या करना है, मीनिंगफुल ऑर्डर में क्या करना है, अरेंज करना है। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जो भी करेंगे इसमें पहले क्या करेंगे, किसी चीज़ के बारे में अनुभूति करेंगे, मतलब किसी चीज़ के बारे में संवेदना करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, एक और पाँच में सब पहले हम लोग ऑप्शन पे ध्यान देंगे। क्या आता है हमारा, एक और पाँच जो भी हमारा आएगा, हमारा या तो पहला आएगा या तो सबसे स्टार्टिंग जो भी स्टार्टिंग होगा, या तो पाँच से होगा स्टार्टिंग या तो एक से होगा स्टार्टिंग, क्योंकि हमारा ऑप्शन में ही गिवन है एक से नहीं तो पाँच से। हम लोग पहले इस पे नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले हमारा एक से आएगा या फिर पाँच से स्टार्टिंग होगा, तो किससे स्टार्टिंग होगा। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, एकोमोडेशन करेंगे या सेंसेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग किसी चीज़ के बारे में संवेदना करेंगे, अनुभूति करेंगे, संवेदना करेंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो ऐसे ही गलत हो गया, क्योंकि हमारा फर्स्ट से स्टार्टिंग नहीं होगा, जबकि हम लोग का कितना से स्टार्टिंग होगा, पाँच से स्टार्टिंग होगा। फिर पाँच के बाद हमारा क्या आएगा, ये हमारा इसका काम हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्या फिर हम आता है, ये तो हमारा ऑप्शन, ये हमारा गलत हो गया। अब टू और वन में सबसे पहले कौन आएगा, तो हम लोग जब हम लोग सेंसेशन कर लिए उसके बाद टू और वन में, तो पहले उसको धारणा करेंगे कि आवाज़ करेंगे, मतलब पहले उसको धारणा मतलब कि पहले उसको समझेंगे या फिर एकोमोडेशन करेंगे। हमारा दो है और यहाँ पे हमारा क्या है, हमारा दो और एक में हम लोग को सबसे पहले मिलाना है। तो हम लोग दो और एक में मिलाएंगे, परसेप्शन है और
एकोमोडेशन है इसमें हमारा सबसे पहले क्या आएगा, तो पहले हम लोग उसको धारणा करेंगे या फिर हम लोग आवाज करेंगे या फिर परसेप्शन, धारणा का मतलब क्या होता है, हम लोग पहले इसको समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, किसी चीज़ को उस अगर अनुभूति की है, किसी को संवेदना की है, तो उसके बाद क्या करेंगे, उस चीज़ को पहले हम लोग समझेंगे, ना कि पहले उसको एकोमोडेट करेंगे। तो सब उसके बाद हमारा 5 के बाद क्या आएगा, सेंसेशन के बाद हमारा 2 आएगा, मतलब कि हमारा 1 नहीं आएगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर 3 भी हमारा कैंसिल हो गया। इसका काम हो गया हमारा, इसका और इसका काम हो गया, बचा हमारा 3 और 4 में पहले क्या आएगा, 3 और 4 में स्कीम फॉर्मेशन और आत्मसात्करण में हमारा सबसे पहले क्या आएगा, इसका भी हमारा काम हो गया, उसको समझ लिए, पहले उसको अनुभूति कर लिए, उसको समझ लिए, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जब समझ लेंगे तो उसके बाद हम लोग मिलाएंगे, आत्मसंकल्प करेंगे, आत्मसात्करण करेंगे, या फिर उसको क्या करेंगे, हम लोग मिलाएंगे कि जो भी हम लोग है जो मतलब समझे उसको मतलब मिलाएंगे, सही समझे गलत समझे तो उसको मिलाएंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा 4 आ जाएगा, 3 और 4 में क्या आ जाएगा, हमारा 4 आ जाएगा। तो मतलब कि ये भी हमारा क्या हो गया, कट गया, तो ये भी हमारा ऑप्शन कट गया, तो हमारा एक ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 के बाद हमारा क्या आ गया, इसको मिला भी लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, फिर हमारा आएगा 3 में क्या करेंगे, योजना बनाएंगे, और योजना बनाने के बाद क्या करेंगे, उसको एकोमोडेट करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, आवाज करेंगे, तो हमारा 3 आ जाएगा, और 3 के बाद क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोस्फेयर, एटमोस्फेयर, बायोस्फेयर, लिथोस्फेयर, मीनिंगफुल ऑर्डर में करना है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं इसमें सबसे पहले क्या आता है हमारा, इसमें सबसे पहले हमारा लिथोस्फेयर आता है, मतलब कि हमारा 4 से स्टार्टिंग होगा, ऑप्शन नंबर 1 हमारा एक ही ऑप्शन में हमारा स्टार्टिंग 4 से है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसको बनाएंगे तो सबसे पहले हमारा लिथोस्फेयर आता है, फिर हमारा इसमें क्या आता है, फिर हमारा हाइड्रोस्फेयर आता है, फिर हमारा क्या आता है, हाइड्रोस्फेयर के बाद हम लोग क्या देखते हैं, फिर बायोस्फेयर, फिर हमारा क्या आएगा, एटमोस्फेयर, मतलब 4, 1, 3, 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है EJO FKP JLQH, तो इसमें क्या आएगा हमारा, तो इसमें सिंपली क्या किया गया है, EF, यहाँ पे हम लोग क्या देख सकते हैं, इसको E है, F है, G है, H है, तो मतलब कि जो भी आगे आने वाला है वो किससे स्टार्टिंग होगा, I से होगा, प्लस 1 होता जा रहा है, E में प्लस 1 करेंगे F, F में प्लस 1 करेंगे G, G में प्लस 1 करेंगे H, तो H में प्लस 1 करेंगे तो हमारा I, ऑप्शन नंबर हमारा 4, एक ही हमारा बचा ही है, I से स्टार्टिंग एक ही है। अगर आगे भी हम लोग बनाना चाहते हैं तो इसमें क्या हो रहा है, सब में प्लस 1 हो रहा है, J में क्या हो रहा है, प्लस 1 हो रहा है, तो K में प्लस 1, L में प्लस 1, M, तो M में प्लस 1 करेंगे तो क्या आएगा, N आएगा, मतलब कि I के बाद हमारा N आएगा। फिर हम लोग थर्ड लेटर निकालेंगे तो O से में प्लस 1 करते हैं तो P, P में प्लस 1 Q, Q में प्लस 1 R, तो R में प्लस 1 करते हैं तो क्या आता है, S आता है, मतलब कि I N S हमारा ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है BOCNDME, यहाँ पे डबल फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पे हम लोग को भरना है, तो सिंपली क्या इसको देख सकते हैं, अल्टरनेट चल रहा है BCDE, तो मतलब कि यहाँ पे जो सेकंड जो क्वेश्चन मार्क है उसके जगह पे हमारा आएगा F आएगा, और पहले वाले क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या आएगा, O में क्या हो रहा है, O और N में क्या हो रहा है, माइनस 1 हो रहा है, M, N और M में क्या हो रहा है, माइनस 1 हो रहा है, मतलब कि M से माइनस 1 करेंगे तो हमारा क्या आएगा, L आएगा, मतलब कि हमारा कौन सा आएगा, हमारा L और F, मतलब कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 है, 2 है, इसको लिखा गया 59 में, 5.3 इक्वल टू 28, 9.1 इक्वल टू 810, 2.1 इक्वल टू 13, 5.4 इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे जो क्वेश्चन मार गया इसको क्या होगा, तो इसको पहले सीरीज को समझते हैं क्या हो रहा है, जो 7.2 को लिखा गया 59 में, 7.2 को लिखा गया 59 में, तो इसको देखने से क्या लग रहा है, 7 माइनस 2 करते हैं, 7 माइनस 2 करते हैं तो कितना आता है हमारा, 5 आता है, और 7 प्लस 2 करते हैं तो क्या आता है हमारा, 9 आता है। जो भी हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी हमारा कॉमन में दिया गया है, जो भी हमारा नंबर दिया गया है, इन दोनों को क्या कर देना, माइनस करना है, तो 5 माइनस 3 करते हैं तो हमारा क्या आता है, 2 आता है, 5 प्लस 3 करते हैं तो क्या आता है, 8 आता है। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, माइनस करना है, तो 9 माइनस 1 हमारा 8, 9 प्लस 1 10, 2 माइनस 1 यहाँ पे हमारा 2 माइनस 1 1, 2 प्लस 1 3, तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे आंसर निकालने के लिए क्या करेंगे, 5.4 है तो 5 माइनस 4, सबसे पहले क्या करेंगे, 5 माइनस 4, तो 5 माइनस 4 करते तो क्या आता है, 1 आता है, और 5 प्लस 4 करते तो हम लोग का क्या आता है, 9 आता है, तो हमारा क्या आ गया, हमारा 19 हमारा ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120, 440, 960, 1680, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे हम लोग को भरना है, तो सिंपली इसको क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले यहाँ पे अलग से लिख लेंगे,
120, 440, 960, 1680 और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे हम लोग को भरना है। तो यहाँ पे पहले इन दोनों के बीच में कितना का गैप है, गैप निकालने जो 320 का गैप है, कितना का 120 में प्लस 320 करेंगे तो हमारा 440 आ जाएगा। नहीं तो अगर गैप निकालना है तो सिंपली क्या करना है, 440 में से 120 घटा देंगे, यहाँ पे 320 आ जाएगा। फिर इन दोनों के बीच में कितना का गैप है, तो यहाँ पे हमारा प्लस 520 करते हैं, यहाँ पे 440 में 520 का ऐड करेंगे तो 960 आ जाएगा। फिर इन दोनों के बीच में कितना का है, प्लस 720 है। आगे में क्या करना है, यहाँ पे आगे में कितना का गैप होगा ये हम लोग को पता भी नहीं चला है, क्योंकि 320 है, 520 है, 720 है, आगे में क्या आएगा यहाँ पे हम लोग को पता नहीं चला है। तो नेक्स्ट अब हम लोग नेक्स्ट लाइन में चलेंगे, तो 320 से 520 में कितना का गैप है, 200 का गैप है, प्लस 200 का गैप है, 520 से 720 में प्लस 200 का गैप है। इसका मतलब क्या पता चल रहा है कि आगे में क्या हो रहा है, सब में प्लस 200 होता जाएगा, प्लस 200 यहाँ, प्लस 200 यहाँ, मतलब कि यहाँ भी प्लस 200 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे, तो 720 प्लस 200 कितना हो जाएगा, 920 हो जाएगा। अब ये हमारा 1680 प्लस 920 कितना हो जाएगा, 0 0 15 1 16 हमारा कितना हो जाएगा, 2600। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे जो हमारा टेबल के फॉर्म में दिया गया है, यहाँ पे जो मिसिंग नंबर है इसको हम लोग को भरना है। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है हमारा 81 है, 4 है, 36 है, 108 है, 64, 9, 16, 96, 16, 49, 25, ये सब क्या है, इसको देखने से क्या लग रहा है कि ये स्क्वायर रूट, मतलब इसका स्क्वायर रूट करके कुछ आएगा, क्योंकि सब के सब क्या है किस परफेक्ट स्क्वायर गिवन है। तो इसमें क्या दिक करते हैं हम लोग, सबसे पहले ये जो हमारा फर्स्ट कॉलम है, ये जो हमारा फर्स्ट कॉलम है इसमें क्या करते हैं, हमारा क्या गिवन है, 81 गिवन है। तो 81 का स्क्वायर रूट करते तो कितना आता है, 9 आता है। 4 का स्क्वायर रूट करते तो कितना आता है, 2 आता है। और 36 का स्क्वायर रूट करते तो हमारा 6 आता है। अब इन सबको क्या करना है, हम लोग को मल्टीप्लाई कर देना है। तो 9 इंटू 2 करते तो कितना आता है, 18 आता है। 18 इंटू 6 हमारा 108 आ जाएगा, हमारा 18 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। वैसे ही हम लोग इसमें करेंगे। तो 64 को क्या करते हैं, हम लोग अंडर रूट करते हैं। तो 64 का क्या आता है, 8 आता है। 9 को करते हैं तो कितना आता है, 3 आता है। और 16 का अंडर रूट हमारा कितना आता है, 4 आता है। अब 8 इंटू 3 कितना होता है, 24 होता है। 24 इंटू 4 कितना आ गया, 96 आ गया। तो वैसे यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन मार्क गिवन है, इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 16। तो हमारा क्या है, 16 गिवन है। तो 16 का अंडर रूट क्या हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 49 का कितना होता है, 7 होता है। और 25 किसका होता है, 5 का होता है। अब इन तीनों को क्या कर देना है, आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो कितना, 28 और 28 25 कितना हो जाएगा, हमारा 140 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 140 हो जाएगा। फिर 5 20 गुना 7 हमारा कितना आ जाएगा, 140 हमारा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 5 5 30 5 6 35। यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे इसको भरना है और 5 है। ये तो सिंपली देखते के साथ पता चल गया कि ये जो 25 है उसको कैसे लिखा गया है, 5 × 5 से लिखा गया है। मतलब 5 × 5 करते तो हमारा 25 आता है। फिर 5 × 6 करते तो हमारा 13 आता है। मतलब कि यहाँ पे हमारा 35 गिवन है। तो इसमें 35 लाना है हम लोग को। और यहाँ पे हमारा इक्वल टू एक्स इंटू 5 है। तो सिंपली क्या करेंगे, ये जो मल्टीप्लाई बाई 5 है नीचे जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो एक्स बराबर 35 बाई 5 वो कितना हो जाएगा, हमारा 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमारा क्या है, मिसिंग नंबर ही निकालना है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन मार्क है, इसको निकालना है। तो यहाँ पे क्या किया गया है, 24 है, 2 है, 5 है, 53 है, 51, 4, 7, 211, 67, 65 और क्वेश्चन मार्क है। तो इसमें सिंपली क्या किया गया है, यहाँ पे कैसे भी करके हम लोग को 53 लाना है। तो इसमें क्या है हमारा, क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करते तो हम लोग को कितना आता है, 24 इंटू 2 करते तो हम लोग को कितना आता है, 48 आता है। और 48 में क्या करना है, प्लस 5 करना है। तो 48 में प्लस 5 करते तो हम लोग का 53 आ जाता है। तो वैसे इसमें करेंगे हम लोग 51 इंटू 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 204 आ जाएगा। 204 में जब हम लोग 7 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 211 आ जाएगा। तो वैसे हम लोग इसमें करेंगे, यहाँ पे आंसर निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 67 इंटू 6 करेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा, हमारा 284, 36 और 4 40 आ जाएगा, 402 आ जाएगा। अब क्या करना है, हमारा जो बचा 5 जो बचा उसको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो कितना आ जाएगा हमारा, 407 हमारा। ऑप्शन नंबर हमारा 4 हमारा क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G इज फैटर देन H। जो G है वो H से ज़्यादा मोटा है, मतलब कि G ज़्यादा है H से, ठीक। बट नॉट एज फैट एज M। जो G है वो M के बराबर मोटा नहीं है, मतलब कि M से वो छोटा है,
एम बड़ा है मोटाई में, एम क्या है बड़ा है और जी छोटा है। क्यू इज ऑल्सो नॉट एज फैट एज एम, मतलब क्यू जो है वो एम के बराबर फैट नहीं है, मतलब क्यू जो है एम के बराबर फैट नहीं है, मतलब कि एम बड़ा है और क्यू छोटा है। अब क्यू कहाँ पे आएगा ये अभी इतना नहीं गिवन है हम लोग को। क्वेश्चन क्या पूछा गया, मोस्ट लीन सबसे दुबला इंसान कौन है, तो सबसे दुबला इंसान क्या हो जाएगा हमारा, एच हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा एच, सबसे दुबला इंसान हमारा क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर टू हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए मैन वॉक्स 15 मीटर साउथ। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक आदमी है, यहाँ पे कौन है आदमी है, यहाँ पे पहले हम लोग मैप को बना लेते हैं, नॉर्थ साउथ वेस्ट और ये हमारा ईस्ट। हम लोग क्या बोल रहे हैं, ए मैन वॉक्स 15 मीटर साउथ, साउथ की तरफ 15 मीटर जाता है, मतलब यहाँ पे हमारा, यहाँ पे एक आदमी स्टार्टिंग किया और ओ से ए पोजीशन तक, साउथ किधर होता है नीचे की तरफ, ओ से ए पोजीशन तक गया साउथ में कितना मीटर, 15 मीटर। फिर देन ही टर्निंग टू हिज राइट, इसका राइट किधर होगा सर, इधर की तरफ है तो इसका लेफ्ट हैंड इधर होगा, राइट इधर होगा। अब वो राइट की तरफ घूमता है और कितना चलता है, वो 15 मीटर चलता है, यहाँ से ए से कहाँ तक चल गया, बी तक चल गया। अब वो इसका फेस इधर की तरफ है, मतलब वेस्ट की तरफ है। देन टर्निंग टू हिज लेफ्ट, अब वो लेफ्ट घूमता है, ये 15 मीटर यहाँ तक चला और ये कितना हो गया हमारा, बी हो गया। अब वो क्या करता है, यहाँ से लेफ्ट घूमता है, मतलब किधर घूमता है, इसका लेफ्ट किधर होगा, राइट ऊपर की तरफ होगा, बेस्ट की तरफ है तो बेस्ट की तरफ किधर हो जाएगा, राइट किधर हो जाएगा, ऊपर हो गया और कितना हो जाएगा, लेफ्ट जो हमारा है वो नीचे आ जाएगा, तो नीचे आ जाएगा कितना आएगा, टर्निंग टू हिज लेफ्ट एंड ही वॉक्स 10 मीटर, और वो 10 मीटर चलता है। अब वो यहाँ पहुँच गया, कहाँ पहुँच गया, सी पोजिशन के पास पहुँच गया। अगेन टर्न्स टू हिज लेफ्ट, फिर से वो लेफ्ट घूमता है और कितना चलता है, 15 मीटर चलता है, मतलब कि ये ए के यहाँ पे है, इसके नीचे ही आएगा क्योंकि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है 15 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारा कितना गिवन है 15 मीटर, और वे कहाँ पहुँच गया, डी के, डी तक पहुँच गया। हाउ फार इज ही फ्रॉम द इनिशियल पोजिशन, तो इनिशियल पोजिशन से कितना दूर है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम लोग को क्या करना है, ओ से डी तक की दूरी निकालना है कितना होगा। तो हम लोग को पता है ओ से एक की दूरी कितना दिया गया है, 15 मीटर दिया गया है, और यहाँ से यहाँ तक हम लोग को एक्स निकालना है और फिर इन दोनों को जोड़ देंगे, तो ये एक्स का मान कितना है, जितना यहाँ पे होगा, जितना दूरी यहाँ है उतना ही दूरी यहाँ आएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा 10 मीटर आएगा, कितना आएगा 10 मीटर आएगा, तो 15 प्लस 10 कितना हो जाएगा, यह टोटल दूरी कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 15 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक मतलब यहाँ ए से डी तक कितना गिवन है हम लोग का, 10 निकल गया, तो 15 प्लस 10 कितना आ गया 25 मीटर, तो हमारा 25 मीटर ऑप्शन नंबर टू हमारा क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही था, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, थैंक यू।